आज की रेसिपी है मसालेदार कलेजी की, एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम, विदाउट स्मेल की, बहुत ही कम टाइम में और कम मेहनत में। तो चलिए इसे बनाना देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन को अच्छे से गर्म करके, अब मैं इसमें हाफ कप तेल को भी गर्म कर ली। जब तेल गर्म हो गया तब मैं यहाँ पे 4 छोटी इलायची, 4 लौंग के पीसेस, 2 बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा तेल में डाल देंगे। अब 2 तेज़पत्ता इसमें डाल देंगे। सारे मसाले को तेल में अच्छे से रिलीज़ होने देंगे। जब ये तेल में अच्छे से रिलीज़ हो गया तब मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज के प्याज को मिक्सी जार में इसे ग्राइंड करके इसमें तेल में डाल देंगे। अब प्याज को अच्छे तरह से भून लेंगे, इसका कलर जब तक कि इस तरह लाइट पिंक ना हो जाए, ताकि इसका स्मेल भी अच्छे तरह से ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इसमें 1/2 kg कलेजी को अच्छे से साफ़ करके धोकर इसमें ऐड कर देंगे। अब कलेजी को भी हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे तरह से फ्राई हो जाएगा तब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें कुछ मसाला का पाउडर ऐड करूँगी, जैसे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। अब सारे मसाले को कलेजी के साथ अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरह से मसाले के साथ कलेजी को फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं 1/2 कप पानी ऐड करूँगी, जिससे मसाला और कलेजी दोनों अच्छे तरह से कुक हो जाए। तो इसे भी हाई टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरह से मसाले के साथ कलेजी को भून लेंगे। तो ये देखिए एकदम अच्छे तरह से भून जाएगा, इसके सरफेस पे तेल इस तरह रिलीज़ होने लगेगा। तब मैं यहाँ पर 2 टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। मैं इस टमाटर में 4 से 5 हरी मिर्च को भी पीस ली थी। तो टमाटर की प्यूरी डालने के बाद कलेजी को अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे मिलाने के बाद फिर से हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे। जब ये अच्छे तरह से इस तरह भुन जाएगा तब मैं इसमें 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी और 1 टीस्पून गरम मसाला का पाउडर ऐड करेंगे। अब इन्हें भी अच्छे तरह से कलेजी के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो देखें इसे भी अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद कलेजी लगभग 50-60% गल चुका है। तो अब मैं यहाँ पर 1/2 कप पानी और ऐड करके इसे कुक कर लेंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो पानी डालकर अच्छे तरह से फिर से मिक्स कर लें। तो मिक्स कर लिए। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसे लीड से कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दे रहे हैं। 10 मिनट के बाद लीड को हटाकर चेक कर लेते हैं। तो देखें कलेजी लगभग गल चुका है और इसका मसाला भी अच्छी तरह से पक गया है। देखने से एकदम सॉफ्ट और नरम लग रहा है कलेजी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया की पत्ती को काट कर इसमें ऐड करेंगे और 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरह बीच से कट करके डालने से इसका टेस्ट में और भी मज़ा बढ़ जाता है। तो देखिए इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लें। तो मसालेदार कलेजी एकदम नरम सॉफ्ट बन के रेडी है। आप इसे सर्व करें पराठे, चपाती, नान के साथ या फिर अपने मनचाहा डिश के साथ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।